अजीज तलबा, इससे पहले हमने मुख्तलिफ नमकियात और ताबकार मादों के बारे में मालूमात हासिल की। अब हम कीमियाई मादों के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। नंबर एक, खाने के रंग और खुशबूदार महलूल, आइसक्रीम, सॉस, फलों के रस, ठंडे मशरूबात, जाम, जेली, चाय का पाउडर जैसी अशिया में इन रंगों और खुशबुओं का इस्तेमाल किया जाता है। मिर्च, हल्दी, मिठाई जैसी मुख्तलिफ अशिया को रंगीन बनाने के लिए इनमें खाने का रंग मिलाया जाता है। नंबर दो, डाई वस्मा, ऐसा रंगीन मादा जिसे किसी शय पर लगाने से शय को रंग हासिल होता है, इसे डाई वस्मा कहते हैं। आमतौर पर वस्मा पानी में हल पजीर और तेल में गैर हल पजीर होता है। आमतौर पर बालों को, कपड़ों को, शॉल, ड्रेस, साड़ियाँ और धागों को रंग देने के लिए वस्मा डाई का इस्तेमाल किया जाता है। वस्मा कुदरती भी होता है और मस्नूई भी होता है। मस्नूई वस्मा का मुस्तकिल इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म पर मुजिर असरात मुरत्तब होते हैं। नंबर तीन, मस्नूई रंग, होली में खेला जाने वाला और घरों को सजाने के लिए दिया जाने वाला रंग मस्नवी होते हैं। होली में खेला जाने वाला सुर्ख रंग इंतहाई खतरनाक होता है। इससे जिल्द का कैंसर, दमा और जिल्द में खुजलाहट जैसी बीमारियां होने का खतरा लाहक होता है। घरों में लगाया जाने वाला पीला रंग भी नुकसानदा होता है। हत्तुल इम्कान हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि होली के त्यौहार में कुदरती रंग इस्तेमाल किए जाएं।